नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से आ रही है, जहां बीते कल देर शाम टीपीसी भवन के मेघदूतम सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पंचायत सचिव बेनीपट्टी सौवियार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी को उनके सेवानिवृत्त होने पर मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा और फूल माला पहनाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन के द्वारा सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह कार्यक्रम में उपस्थित कई पंचायतों के मुख्य अपने अभिभाषण में कहा कि पंचायत सचिव रहते हुए श्री चौधरी के द्वारा किए गए काम को सदा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला के पर्याप्त लोक कलाकार माधव राय और जूली झा के द्वारा मैथिली मंगल गान के साथ की गई, जिसके बाद काफी देर तक दोनों प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने गीत संगीत का एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम समाप्त बंधाए रखा। विदाई सह सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन ने अपने अभिभाषण में बताया कि ऐसे पंचायत सचिव जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, उन्होंने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर समाज के दबे कुचले और शोषित वर्गों के लिए सफलतापूर्वक काम कर अपने आवंटित पंचायत में विकास को हमेशा नया आयाम देने का काम किया है। उनके अभिव्यक्ति और विचार को भूला नहीं जा सकता है। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सोनी देवी ने कहा कि आज हमारे बीच से विजय चौधरी जिन्होंने अपने कार्य कुशलता से सभी को प्रभावित किया है का अनियंत्रित हस्तांतरण हो रहा है और आनंद मोहन चौधरी जिनके सेवानिवृत्त हो जाने से एक गार्जियन की कमी भी महसूस होगी, लेकिन विदाई तो जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम सभी को निभाना पड़ता है। हम सब इस विदाई की बेला में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस विदाई सह सम्मान समारोह में मुख्य रूप से बीडीओ बेनीपट्टी श्री रंजन के अलावा प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, मुखिया राम संजीवन यादव, सुनील कुमार विवेक राय, बीएसओ देव नारायण महतो, तकनीकी सहायक इंद्रजीत कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, विकास मित्र राम वृक्ष राम सहित सैकड़ों की तादाद में प्रखंड कर्मियों ने भाग लिया। बेनीपट्टी से मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।